नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे ने 12th लेवल पे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है इनकी वैकेंसीज भी जारी कर दी और पद इतने कम हैं, इस कारण से बच्चे और भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर इतने कम पद में क्या कौन सा पोस्ट ज़्यादा बेहतर है, किसके लिए प्रेफरेंस डालें, प्रेफरेंस में कौन सा ऊपर रखें, प्रेफरेंस क्या होता है और क्या सेफ जोन हो सकता है। तमाम ऐसे आपके प्रश्न आ रहे हैं, लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैं कमेंट देख भी रहा हूं और सारे बच्चों का रिप्लाई अभी नहीं कर पाया बच्चों, मैं आज रात में सारे बच्चों का रिप्लाई भी कर दूंगा, लेकिन मैं ओवरऑल थ्रू एक बार कमेंट देखता रहता हूं कि बच्चों के क्या कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं और ये जो अराजकता है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि बच्चों परेशान मत हो, अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो सबको समझ में आएगा कि आलोक सर आपका बड़ा भाई क्या आपसे कहने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहले तो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी, जो आपकी डिमांड थी कि सर जीसीसीटी जो पद है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का, इसके लिए आप बता दीजिए कि ये पद कैसा होता है और सेफ जोन क्या होता है। एक खासकर जो हमारी छोटी बहन थी उनका ये बहुत ज्यादा कॉल था और मैसेज था कि सर गर्ल्स के लिए 12th लेवल पे कौन सी बेस्ट पोस्ट हो सकती है, तो ये मेरे ख्याल से सर्वाधिक सबसे अच्छी पोस्ट है गर्ल्स के लिए और ये मैं आपको बताऊंगा क्यों अच्छी है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आते हैं हम लोग बात, क्यों इसे बोल रहा हूं मैं कि ये बेस्ट फॉर है गर्ल्स के लिए। इस पूरे वीडियो में हम लोग जेसीसीटी के सेफ जोन के बारे में समझेंगे, हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस, सैलरी क्या है, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इनको काम क्या करना पड़ता है और इनके साथ साथ आपको और कौन से पोस्ट ध्यान में रखना चाहिए अपने जोन का चुनाव करते समय। ये आपका क्या है CN6 2024 नोटिफिकेशन निकला है, फॉर्म डेट आपका क्या है, जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो एकदम स्टार्ट हो गया है, फॉर्म चालू है। हम लोग आज बात कर रहे हैं चार कैटेगरी की, जो आपकी जॉब निकली है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे नंबर की जॉब की, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो CCTC है, मैंने लेवल 3 वाले का जॉब प्रोफाइल बना दिया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी प्लेलिस्ट में आप जाके इसे देख सकते हो। यह आपकी लेवल 2 की जॉब है जो आज मैं बताने वाला हूं, इसके लिए CBT 1 क्या होगा, सबके लिए सेम होगा और इसमें भी CBT 2 अलग होगा। इससे पहले जो पेपर होते थे उसमें चाहे आपका CBT 1 हो तथा चाहे लेवल 2 हो, चाहे लेवल 3 हो, चाहे लेवल 4, 5, 6 हो, सबका CBT 1 सेम होता था, लेकिन यहां पे आपका लेवल 2 और 3 का केवल CBT 1 अलग होगा, 5 और 6 का CBT 1 अलग हो गया क्योंकि वो ग्रेजुएशन पोस्ट में चले गए हैं। आपके पद के लिए टाइपिंग जरूरी है, इस बात को ध्यान देना। तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट, यानी हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट में अगर आता है टाइपिंग तो बेटर है, वरना आपको क्या है इंग्लिश में टाइपिंग कर लेते हो 30 वर्ड पर मिनट में तो आपका चल जाएगा। और इंग्लिश टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना है, जरूरी नहीं है कि दोनों करना है, ठीक है। तो अगर आपको क्या आता है इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता, तो आप इंग्लिश वाले को थोड़ा अभ्यास ज्यादा बना लो और 30 वर्ड पर मिनट आराम से आ जाता है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। सैलरी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं कि जो सैलरी है वो 34,728 इन हैंड आई हुई है और जो ग्रॉस सैलरी है अगर हम ये कब की बात करेंगे, या आप देखोगे तो ये जून महीने की सैलरी है एक बच्चे की और यहां पे अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करोगे तो 37,713 है। तो अगर सैलरी की बात करें इन हैंड जो सैलरी होती है 34,000 से लेकर 42,000 पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आप कहां पे पोस्टेड है, एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी में। सारी वीडियो में एक्स वाई जेड सिटी की मैं जिक्र कर चुका हूं तो उसको बार बार नहीं बोलूंगा। आते हैं हम लोग बाकी चीजों के बारे में समझते हैं। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का नाम है, बाकी चीजें मैंने बता दिया। बेसिक पे इसका क्या है 19,900, लेवल इसका है 2, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होता है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली फिट ऑल रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बाकी जो सबसे आसान मेडिकल है वो यही बोला जाता है, इसमें आपका विजन केवल एक आंख का, एक आंख अगर बिल्कुल खराब है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक आंख सही हो और वो भी कितना 6/12 का, वो भी अगर चश्मा लगा के देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे आसान मेडिकल है, मतलब कहने का मतलब कि तुम किसी तरह देख पाओ, बस ये मांगता है कि किसी भी तरह तुम देख पाए तो समझो कि तुम क्या करोगे, इसमें अप्लाई कर पाओगे, एक आंख से देखो या दो आंख से देखो। नियर विजन इसमें क्या है, केवल 0.6 का है कंबाइंड, वो भी और वो भी विद और विदाउट ग्लासेस है, मतलब चश्मा लगा के भी देख सकते हो। इसमें कोई बाइनोकुलर टेस्ट नहीं है जो तिरछी आंखों वाला होता है, कोई भी नाइट ब्लाइंडनेस का, कोई भी कलर विजन का, कुछ भी यहां पे टेस्ट नहीं है, तो आराम से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि यहां पे अगर हम लोग बात करें ट्रेन क्लर्क, इसे ट्रेन क्लर्क नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका JCCT है, इस बात को ध्यान देना। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसे बोला जाता है। पोस्टिंग कहां पे होता है, पोस्टिंग आपका मेजरली एक्स और वाई सिटी में होता है, जेड में पोस्टिंग ना के बराबर होता है या नहीं होता है आप ऐसे समझो। आपको स्टेशन पे भी मिल सकता है, यार्ड में भी मिल सकता है, कंट्रोल टावर पे भी मिल सकता है और सेंट्रल केबिन में भी मिल सकता है, मतलब कि आपको ये चारों जगह पे कहीं पे भी मिल सकता है।
डीआरएम ऑफिस और हेडक्वार्टर भी मिल सकता है, इसमें आपको अंडर सीनियर डीओम के अंदर में क्या होगा, काम करना होगा। अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, नाम ही इसका टाइपिस्ट है, तो जनरली ये क्लरिकल पोस्ट है और इसी पोस्ट को छोटा बाबू बोला जाता है, मतलब कि बाबू के पोस्ट से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। बाबू की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो ज्यादा काम होता है वो टाइपिंग का ही काम होता है, टाइपिंग आप लोग बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, डाटा एंट्री का। तो बेसिकली जो आपका काम का नेचर होगा ये क्या होगा, ये आपका डाटा एंट्री का होगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि 8 घंटे का जॉब है, अगर आप सिग्नल मींस में जॉब नहीं होता, 8 घंटे का क्या है, 8 घंटे का जॉब है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें क्या है, इसमें 8 घंटे की जॉब है। सिग्नल में आपके जो ट्रेन क्लर्क होते हैं, टीएनसी होते हैं, वो वाले होते हैं। तो इसे मैं क्या कर रहा हूं, इसे यहां पे हटा दे रहा हूं, ठीक है, इसे यहां पे क्या कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 8 घंटे की जॉब होती है और ये क्या है, ये शिफ्ट जॉब भी है। ये क्या है, ये शिफ्ट जॉब आपकी नहीं है, ये क्या है, ये शिफ्ट जॉब भी नहीं है। तो 8 घंटे की जॉब होती है, इस बात को आप लोग थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि जॉब रोल इसमें 8 घंटे का है। और 8 घंटे मतलब कि आपका क्या है, ये आपका फिक्स जॉब है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये फिक्स जॉब है, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अगर प्रमोशन की बात करते हैं तो सीए क्या बता दें, सबसे अच्छा जो आपका पद है यहां पर देखा जाए प्रमोशन के तर्ज पे, तो प्रमोशन यहां पे क्या है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2-3 साल में आप क्या बन जाओगे, सीनियर क्लर्क हो जाओगे, उसके बाद आप बन जाओगे ओएस, जिसे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं, उसके बाद आप क्या बन जाओगे, सीएचओएस। हालांकि आपको 4200 ग्रेड पे तक, यहां तक आपको क्या होगा, यहां तक एग्जाम नहीं देना है। इसके आगे अगर आपको आते हैं, अगर आपको इसके ऊपर प्रमोशन लेना होता है तो आपको क्या होता है, एग्जाम देना होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका सीनियर क्लर्क से ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, उसके बाद चीफ क्या होता है, यहां पे चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट होता है, फिर एपीओ होता है, ये आपके ग्रेड बी की पोस्ट होती है, यहां तक आपकी क्या होती है, यहां तक आपकी ग्रेड सी की पोस्ट होती है, उसके बाद जो आपके पोस्ट हो जाते हैं ये आपके ग्रेड बी गेस्टेड ऑफिसर के पोस्ट हो जाते हैं, इसमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर इन्हें बोला जाता है। फिर आप डीपीओ हो जाते हैं, डिविजनल पर्सनल ऑफिस। तो एक कोई बंदा अपनी लाइफ में डीपीओ तक ही पहुंच पाता है, उसके बाद सीनियर डीपीओ होता है, लेकिन सीनियर डीपीओ तक पहुंच नहीं पाते। कोई लड़का 18 साल की उम्र पर ही जॉब ले लेता है और डिपार्टमेंटल एग्जाम जो जीडीसी होता है उसके बदौलत एग्जाम दे देकर जल्दी जल्दी छलांग लगाता है, तो वो सीनियर डीपीओ तक भी पहुंच सकता है। और सीनियर डीपीओ क्या होता है, 6600 ग्रेड पे का होता है, मतलब आप रिटायरमेंट तक पहुंचोगे तो बहुत अच्छी खासी सैलरी होगी, 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी यहां पे बन जाएगी। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल मैंने जैसे आपको बताया कि ये हेडक्वार्टर डीआरएम ऑफिस दोनों में होता है। यहां पे काम क्या होता है, डेटा एंट्री का काम होता है, जैसे आपका सैलरी बनाना हो गया, किसी का डेटा एंट्री करना हो गया, ट्रांसफर वाले चेयर पे आप बैठ गए, ठीक है, रिटायर कितने लोग रिटायर हो रहे हैं इनका कुछ आपको डेटा बनाना है, इन सब में क्या होता है, इन सब में आपका जो काम करना होता है हेडक्वार्टर या डीआरएम में। आरआरबी आरआरसी ऑफिस में भी आपको यहां पे हो सकता है कि कितनी वैकेंसी है, इन सब का चार्ट वगैरह प्रिपेयर करना, इनका चार्ट बना रहता है। कंट्रोल टावर हो गया, यहां पे भी आपका क्या होता है, जॉब लगता है, मिल जाता है। और यूनिफॉर्म इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म की बात किया जाए तो यूनिफॉर्म अगर जूनियर क्लर्क की बात किया जाए, हाँ, तो यूनिफॉर्म यहां पे नहीं होता है, इस बात को ध्यान देना कि यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म यहां पे नहीं मिलता है। जबकि अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग बाकी पोस्टों की बात करते हैं तो वहां पे यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म आपका मिलता है। और क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं मिलता इस कारण से यहां पे कोई आपको भत्ता भी नहीं मिलता है, इस बात को हम लोग यहां पे देखेंगे। तो आएंगे हम लोग अगर यहां पे बात करते हैं किसकी सैलरी की, तो सैलरी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट की बात कर रहे हैं इस पद की। इसमें आपका क्या होता है, बेसिक पे 19,900 होगा, आपको डीए मिलेगा 50%, डीए कितना मिलेगा 50% मिलेगा, 9,950 मिलेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका एचआरए होगा, ये एक्सिटी का, ये वाईसिटी का, ये जेडसिटी का, 5,970 एक्सिटी का मिलेगा। उसके बाद आपको ये क्या मिलता है, ये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, और फिर आपको ट्रेवल अलाउंस भी 625 रुपए का मिलता है। तो इन सारे भत्तों को अगर सबको जोड़ लिया जाए, डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, सब जोड़ लिया जाए आपका, तो इनिशियल पे में तो आपका कितना बनता है, आपका जो ग्रॉस पेमेंट बनता है वो आपका कितना बनता है, एक्सिटी में 39,000, वाई में 36,000, जेड में 34,000, ऐसे ही एक्सिटी में जो नेट पे होता है 35,000, 32,000, 30,000। तो बाकी पोस्टों से यहां पे क्या होती है, सैलरी कम होती है। क्यों सैलरी कम होती है, क्योंकि यहां पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म का भत्ता नहीं मिलता, यहां पे नाइट ड्यूटी नहीं है तो नाइट ड्यूटी का पैसा नहीं मिलता, यहां पे लीव अलाउंसेस क्या है, लीव अलाउंसेस भी आपको नहीं मिलते हैं, साथ में यहां पे कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं, किलोमीटर अलाउंस नहीं है, और ना ही यहां पे कोई सेल अलाउंसेस है, तो आपको ये सारे भत्ते नहीं मिलते। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से यहां पे सैलरी
सैलरी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर लड़कियों के लिए बात किया जाए तो सैलरी भले ही कम है, ये फिक्स जॉब है, मतलब कि सुबह आपको क्या आना है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जॉब है, उसके बाद आरामदायक जॉब है, बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, आपको डेस्क जॉब है। ये डिपेंड करता है कि सिलेक्शन के बाद आप स्टेशन पर जा रहे हो या फिर आप यार्ड में जा रहे हो या फिर आप हेडक्वार्टर में जा रहे हो या DRM में जा रहे हो, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं भी नियुक्ति मिलती है, कहीं भी पोस्टिंग मिलती है, तो आपको वहीं पर जॉब करना पड़ता है और आप बाद में इधर उधर क्या करते हो, चेंज भी कर दिया जाता है, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 9 से 5 ही जॉब करना है। आप 5 बजे आते आते कोई काम रहता नहीं है, खाली बैठ रहे, तो वहां पे अपनी तैयारी वगैरह भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बढ़िया सिटीज में, मतलब XY सिटीज में ही आपकी पोस्टिंग होती है, कहीं रिमोट एरिया जेड में होती नहीं है, तो इस कारण से आपके जो फैमिली वाले हैं, आपकी जो बीबी है, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो हस्बैंड है, वो सारे लोग क्या रख सकते हैं, एक बढ़िया सिटी का, शहर का क्या रख सकते, माहौल ले सकते हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ बेहतर सुविधा मिल सकती है, क्योंकि शहर आपको XY में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो लाइफस्टाइल अच्छा होता है, आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, भले ही थोड़ी सैलरी कम है, लेकिन आप इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके या फिर आपका जो प्रमोशन होता है वो तो होता रहता है, और धीरे धीरे करके आप अपनी सैलरी भी इंक्रीज करते हुए चले जाओगे। रही बात की इसके लिए कौन सा सेफ जोन सही होना चाहिए, जो आप लोग की सबसे बड़ी डिमांड थी, तो मैंने आपके लिए एक पूरा चार्ट बना दिया था, वैकेंसी वाइज, जोन वाइज, और आपको वैकेंसी वाइज पूरा चार्ट बनाया था, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा। यहां पे अगर आप देखो तो मैं इस वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूं, JCCT की, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, और यहां पे जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 3445 में से 3445 में से जो टोटल वैकेंसी है वो 990 वैकेंसी किसकी है, 990 वैकेंसी आपकी JCCT की है। तो 990 वैकेंसीज यहां पे क्या है देखा जाए तो दूसरे नंबर की वैकेंसी यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका CCCT है, CCCT है जो आपका 2022 है, बाकी आपका JCCT है आपका 990, उसके बाद आपका अकाउंट वाले पद का है 361, और सबसे कम आपका का है ट्रेन क्लर्क, जिसे TNC बोलते हो, ट्रेन क्लर्क को TC नहीं बोलते, TC आपका क्या होता है, TC आपका इस वाले पोस्ट के अंतर्गत आता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग TNC बोलते हैं ट्रेन क्लर्क को, मैं आपको अगली वीडियो में ट्रेन क्लर्क के बारे में बताऊंगा। ये आपका क्या है, JCCT। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज की संख्या JCCT में आपका ये जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे, मुंबई, वहां पे भी केवल कितने पद हैं, वहां पे भी केवल आपके 45 ही पद हैं। अगर कोलकाता में देखेंगे तो 132 पद हैं, प्रयागराज में 14 पद हैं, चंडीगढ़ में आपके 22 पद हैं, ऐसे अहमदाबाद में बात करें तो अहमदाबाद में इसका कोई पद ही नहीं है, तो अहमदाबाद ये जोन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा इन पद के लिए। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 28 हैं, 31 हैं, और इसमें मैक्सिमम जगह आप देखोगे तो कोई यहां पे वैकेंसी ही नहीं है, और कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो आपके लिए क्या सेफ जोन, क्या रेड जोन, सारे तो आपके रेड जोन है। देखो जितने मैंने लाल वाली पट्टी बना रखी है भैया, लाल वाली पट्टी में आप देखोगे तो रांची, अजमेर, मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, सिलगुड़ी, पटना, मालदा, कहीं से डालने लायक नहीं है। यहां पे आप एक बार देखोगे तो सिलगुड़ी में फिर भी 28 आपको मिल जाता है, बाकी आपको सारे में कितना दिखेगा, या तो 0 दिखेगा, 5 दिखेगा, तो यहां पे तो आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे जो लड़कियां हैं, खासकर इस पद को लड़कियां ही ज्यादा भरती है, या ऐसे बच्चे भरते हैं जिनको आराम चाहिए होता है, तो ऐसी जगह पे आप अप्लाई ही नहीं करोगे, यानी आपके पास नीला वाला पोर्शन बचा या हरा वाला। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास क्या है, ऑप्शन कम है, तो अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, अधिकांश बच्चे जो फॉर्म का आवेदन करेंगे वो कहां से करेंगे, इन्हीं चार जोन से करेंगे। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा, और इसी कारण से अगर देखा जाए तो एक बेहतर एनालिसिस के हिसाब से बोल सकते हो कि JCCT पोस्ट के लिए सेफ जोन मैंने कोलकाता को नंबर एक पे रखा है। आपका मैं दिखा देता हूं, कोलकाता आपका यहां पे है, मुंबई आपका कहां पे है, मुंबई आपका यहां पे है, और तीसरा मैंने चेन्नई बताया, चेन्नई यहां पे है, चौथा अगर कहीं पे पद है इसके लिए तो थोड़ा सा चंडीगढ़ में है, वो भी 22 पद है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे देखा जाए 22 सिलगुड़ी, इससे ज्यादा तो 28 है, तो यहां पे क्या है, कोलकाता, बात किया जाए मुंबई, इससे क्या ले सकते हैं, मुंबई, मुंबई 45 हो गया, कोलकाता आपका 132 हो गया, और तीसरे नंबर पे अगर बात किया जाए JCCT का, तो मैंने क्या बताया है, तीसरे नंबर पे आपको मैंने चेन्नई बताया है, क्योंकि चेन्नई में फिर भी 28 पद है। अब इसलिए मैंने चेन्नई बताया क्योंकि ज्यादा से बच्चों को जो दिमाग रहेगा वो कहां पे रहेगा, हरे वाले जोन में ही जाने का, जहां पे वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो यहां पे चेन्नई में अगर बात करेंगे तो चेन्नई में पद कितने, 194, और इसके बाद जहां पे पद थोड़े से ज्यादा है, अगर ये इसको हटा दिया जाए, 132 को हटा दिया जाए, तो बाकी, और खासकर इसको भी हटा दिया जाए, तो बाकी में लगभग समकक्ष है। तो अगर चेन्नई को देखें तो चेन्नई में 28 है, या तो सिलगुड़ी 28, लेकिन अगर सिलगुड़ी की बात किया जाए तो यहां पे ओवरऑल वैकेंसी यहां पे केवल कितनी है, सिलगुड़ी की बात किया जाए तो सिलगुड़ी में ओवरऑल वैकेंसी 42 ही है, तो इस कारण से सिलगुड़ी बढ़िया ऑप्शन नहीं है। जबकि अगर आप देखोगे तो चेन्नई में 194 है, और मुझे नहीं लगता कि अगर 194, 210 इन सब में 247 में कोई बहुत ज्यादा अंतर है, कोई ऐसा नहीं है कि दुगना तिगना सीट है, 30-40 सीट का कोई मतलब नहीं
नहीं बनता। तो इस कारण से चेन्नई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नजर नहीं जाएगा, तो यहां पे आपके लिए बेटर इसके लिए हो सकता है। अगर कोई लड़की कोई बच्ची है और चाहती है कि हमें यही मिल जाए, पोस्ट प्रेफरेंस यही पद मिल जाए, तब आप भरो। वरना मेरा सजेशन ये रहेगा कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है आप उसी की तरफ देखो, या आपके जोन के नजदीक में जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसी में देखो। इतने कम पोस्ट पे मैं आपको क्या सेफ जोन बताऊं, क्या रेड जोन बताऊं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। इतने कम पोस्ट पे कोई भी बेटा सेफ जोन नहीं होता है, सारे रेड जोन होते हैं। इसलिए मैं आपको समझाऊंगा कि मन लगा के तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। एक चीज मैं आपको जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है, सब लोग ध्यान देना, कि मात्र 3400 अगर देखा जाए, मात्र 3400 पद हैं। और मैं बार बार इस चीज के लिए बोल रहा हूं कि भैया वैकेंसी बढ़नी चाहिए, वैकेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन ना कोई टीचर सामने आ रहा है, ना कोई स्टूडेंट सामने आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूं स्टूडेंट सामने नहीं आ रहा है तो टीचर को तो सामने आना चाहिए कि आपकी वैकेंसी तो कम से कम बढ़ा पाए। जब आप ऐसे, मैंने जोन बताया जहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो वैकेंसी डालने का भी मतलब क्या है? और एक ही जगह से सब डाल देंगे, 3000 पद में पूरा भारत 20 लाख 50 लाख फॉर्म भरेगा, कॉम्पिटिशन तो मुझे लग रहा है कि 95% जाके आपका क्या जाएगा, कट ऑफ जाएगा। तो फिर ऐसे में बच्चा तैयारी करेगा भी क्या? तो आप भैया ऐसे कोचिंगों को जो आपके साथ नहीं आ रहे, पूरा फुल्ली क्या कर दो, बॉयकॉट कर दो। आप सिंपल सी बात है, कोर्स ही मत खरीदो, खुद मार झपट के आएंगे, आपका क्या करेंगे। मैं एक संस्थान हूं तब भी मैं बात बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर आप भी मत करो, मैं कहां बेच रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं 199 का हमारा कोर्स है भैया, वैसे भी मत खरीदो, मैं तो ऑलरेडी वो केवल डाउनलोडिंग और ऐप का जो चार्ज देना रहता है वो लगा रखा हूं, बाकी पूरा बैच फ्री है। हमने 600, 700, 800 के बैच ही नहीं लगाया। तो बहुत क्लियर सी बात है कि हम तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको बैच दे रहे हैं, और फिर भी हम भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं बेचेंगे, हम बैच ही हटा लेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी संस्थान भी आओ, आप उनका बैच ही मत खरीदो। तो आप उन्हें भी बॉयकॉट कर दो, एक बार उनका बैच खरीदना रोक दोगे ना, खुद झल्ला के आएंगे और आपके लिए लड़ेंगे कि हाँ भैया अब वैकेंसी बढ़नी चाहिए। एक दिन आप करके ऐसा देख लो, दो दिन करके देख लो, उसके बाद देखो तुरंत ही सब लोग आपकी वैकेंसी बढ़ाने के लिए आगे आ जाएंगे कि नहीं। वैसे आप चिल्लाते रहोगे, हर जगह कमेंट करते रहोगे, कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक आप उनका बैच खरीदते रहोगे। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी तो बिल्कुल सही है, नहीं आ रही होगी तो भैया आप जानो और आपका काम जाने। मैं आपका बड़ा भाई हमेशा आपके साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा, इस चीज को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसकी वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए मेरे साथ आ रहे हैं, ताकि मैं एक बेहतर मुहिम इसके लिए स्टार्ट कर सकूं। इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।